कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में राजनीतिक दलों की बैठक और प्रेस वार्ता ली। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नूपुर राशि पन्ना की अध्यक्षता में आज कलेक्टरेट कक्ष में आगामी लोकसभा निर्वाचन से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 कार्यक्रम के संबंध में राजनीतिक दलों की बैठक और प्रेस वार्ता ली गई। बैठक में कलेक्टर द्वारा बताया गया कि एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 6 जनवरी 2024 को और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन गुरुवार 8 फरवरी 2024 को किया गया है। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नूपुर राशि पन्ना ने बताया कि वर्तमान में अंतिम प्रकाशन में कुल 6,20,458 मतदाता पंजीकृत हैं। बैठक में कलेक्टर ने सभी राजनीतिक पदाधिकारियों को 14 फरवरी 2024 बुधवार को सुबह 10 बजे कृषि उपज मंडी परिसर शक्ति के FLC हॉल में उपस्थित होने का आग्रह किया है। बैठक में राजनीतिक दल के प्रतिनिधि और मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव हेतु अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी की स्थिति पे हमारे पास शक्ति चंद्रपुर एंड जेजेपुर जो हमारे लोकसभा जांजगीर चांपा में आएंगे उसमें हमारे पास कुल पुरुष में 3,11,842, महिलाओं में 3,08,616, कुल 6,20,458 हमारे पास मतदाता हैं। और इसमें इनके जो अंतिम प्रकाशन जो सूची बनी है वो फरवरी 8 तारीख की स्थिति में हुई है। इसके उपरांत भी काफ़ी जगह पर हमारे जो यंग मतदाता हैं जो 18 वर्ष की पूर्ण कर चुके हैं उनका नाम जोड़े जाने का प्रक्रिया चल रहा है। कुल हमारे पास हमारे तीनों विधानसभा क्षेत्रों को मिला करके हमारे पास 766 पोलिंग स्टेशन्स हैं, जिसमें से लगभग 624 जो पोलिंग स्टेशन हैं वो हमारे शक्ति ज़िले के अंतर्गत है। हमारे शक्ति ज़िले के अंतर्गत किसी प्रकार का नामांकन नहीं लिया जाएगा। सभ्यस्त नामांकन की प्रक्रिया हमारे लोकसभा क्षेत्र जांजगीर चांपा में लिया जाएगा और अन्य जितने भी प्रक्रियाएं हैं वो सेम रहेंगी। और इसमें हमारे पास पर्याप्त EVM मशीन्स हैं, सभी EVM मशीन्स की FLC हो रही है और जनप्रतिनिधियों को भी बताया गया है कि किस प्रोसेस से उनकी FLC हो रही है, फर्स्ट लेवल कमीशनिंग हो रही है, जिसके उपरांत मशीन्स को ठीक ठाक करके क्लीन किया जा रहा है और सभी प्रोसेसेस निभाए जा रहे हैं। हमारा पूरी तरीके से सिक्योरिटी के अंतर्गत ये सारी काम हो रहा है और कोई किसी प्रकार का इशू हमें हमारे से भी कोई भी इशू हुआ नहीं है और इसके ऊपर हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। साथ ही साथ कुछ मतदान केंद्रों के लिए जिसमें संख्या ज़्यादा है उसके लिए प्रपोजल्स आए हैं, उसको हम लोग विश्लेषण करके हम लोग इसको जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ECI को हम लोग भेजेंगे और उनके डिसीजंस के अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ हमारे पास वर्कफोर्स पर्याप्त है और नवीन जिला होने के कारण हम लोग बिल्कुल अच्छे से अपने इस लोकसभा में भी अपने जितने ट्रेनिंग से उसको करेंगे और शांतिपुर इलेक्शंस के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ नए मतदाता इसमें जुड़े हैं क्या लोकसभा? हाँ, काफ़ी नए नवीन मतदाता जो 18 से 19 साल में अभी जो नए आए हैं वो काफ़ी लोग जुड़े हैं इसमें और साथ ही काफ़ी लोग जो मृत हुए हैं उनका भी नाम को काटा गया है और हमने बहुत ही अच्छे से मतदाता सूची को जितना शुद्ध करने की कोशिश की है वो किया है।